हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी यूपी से आउट की गई हैं। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। यहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करने के बाद होम पेज पे ही वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स, नॉन टीचिंग स्टाफ एडवर्टाइजमेंट एंड फॉर्म का ये लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ फाइल ओपन होके आ जाएगी जिसे मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी में एडवर्टाइजमेंट नंबर 08 एडवर्टाइजमेंट नंबर REC MOD 2023 की दिया गया है। परमानेंट पोजीशंस के लिए वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट देख लेते हैं। रजिस्ट्रार की वन वैकेंसी है, लेवल 11 की सैलरी है। यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ में एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ में 7 ईयर का एक्सपीरियंस इन अ रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में मांगा गया है। अगर आपके पास लॉ है, MBA है तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी सेम है, लेवल 7 की सैलरी है। ग्रेजुएशन के साथ में 5 ईयर का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव में मांगा गया है। डिप्टी लाइब्रेरियन में लेवल 7 की सैलरी है, 1 वैकेंसी है। यहाँ पर मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में, डॉक्यूमेंटेशन साइंस में या इसके इक्विवेलेंट डिग्री 55% मार्क्स के साथ में मांगा गया है। साथ ही सर्विस एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट लाइब्रेरियन में मांगा गया है जो कि कम से कम 5 ईयर्स का होना चाहिए। नेक्स्ट है वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट में 1 वैकेंसी है, लेवल 11 की सैलरी है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के साथ में 5 ईयर का एक्सपीरियंस है या ग्रेजुएशन के साथ में 7 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर में लेवल 10 की सैलरी है, 1 वैकेंसी है। यहाँ पर MBBS मांगा गया है। प्रोग्रामर ग्रेड फर्स्ट में भी 1 वैकेंसी, लेवल 10 की सैलरी है। अगर आपके पास भी BTech कंप्यूटर साइंस में या MSc है कंप्यूटर साइंस में या DOEIC NEILT द्वारा आपके पास भी लेवल का सर्टिफिकेट है या MCA है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास DOS यूनिक्स विंडो का डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। एंड यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपके एग्जाम, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो शैक्षिक अर्हता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पे 40 अंक्स मैक्सिमम प्रोवाइड किए जाएंगे। एक्सपीरियंस के बेस पे 10 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ रिटन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा, इसके लिए 30 मार्क्स दिए जाएंगे मैक्सिमम। एंड यहाँ पे इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा, 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। इसी के बेस पे कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा एंड इसी के बेस पे ही मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। अप्लाई आपको ऑफलाइन ही करना है तो देख लेते हैं अदर कंडीशंस क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले फीस की बात करें तो यहाँ पर 1000 की फीस के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा जो कि इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी पेबल एट मैनपुरी के नाम से बनेगा। अकाउंट नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, FSC कोड एंड बैंक नेम बैंक ऑफ इंडिया रेलवे रोड मैनपुरी दिया गया है। साथ ही आपको हार्ड को अपनी इसी PDF फाइल में लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिलअप करके अपने सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ में 25 अगस्त 2023 से पहले आपको फॉर्म डायरेक्टर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा रोड खारा मैनपुरी UP पिन कोड 205119 पे स्पीड पोस्ट से रजिस्टर्ड पोस्ट से आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। तो इसी फॉर्म इसी PDF में सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं पेज नंबर 5 पे फॉर्म दिया गया है। आपको अपने पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ यहाँ पे चिपकानी होगी। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को अटेस्टेड भी करना होगा, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैंक का ड्राफ्ट नंबर, डेट एंड आपका अमाउंट यहाँ पर है। ये ऑफिस यूज के लिए तो आपको इसे नहीं फिलअप करना है। नेम इन ब्लॉक लेटर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंट, पिन कोड, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, परमानेंट एड्रेस, ईमेल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स को आपको मेंशन करना है। एंड आपका ये पूरी डिटेल्स मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पर 3 रेफरेंस भी पोस्टल एड्रेस के साथ में यहाँ पर रेफरेंस भी मांगा गया है।
तो आप यहाँ से इस फॉर्म को फिलअप करके 25 अगस्त 2023 से पहले पहले अपना फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।